का, 33 वर्ष तक का समझना है, 29 से 33। तो थोड़ा सा जो हमने पिछली क्लास में समझा था उसको एक क्विक रिवीजन करना जरूरी है ताकि हम बातों को सही से समझ पाएं और हम उसी तरह से आगे चल पाएं जैसे हम हमेशा करते हैं। तो आज की जो हमारी वर्ष है उसको पढ़ने से पहले मैं पिछली क्लास में जो हमने समझा उसके बारे में बात करना चाह रही हूँ। पिछली क्लास में हमने आयत 23 से लेकर 28 तक पढ़ी थी सूरह निसा की, और उसको अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो हमने पढ़ा था कि क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हिदायत भेजी, गाइडेंस भेजी, क्योंकि उसने ही हमें बनाया है, पैदा किया है। तो जैसे उसने इस दुनिया को बनाया तो वो सब चीजें सही जानता है कि सब चीजों की वर्किंग कैसी होनी चाहिए। तो ऐसे ही जब इंसानों को उसने बनाया तो वो इंसान की हर कमजोरी से, हर स्ट्रेंथ से पूरी तरह वाकिफ है, उसकी रग रग से वाकिफ है। तो ही वही बेस्ट नॉलेज रखता है कि वो बता सके कि हम इंसान अपनी जिंदगी कैसे गुजारें ताकि हम कामयाब हो सकें और हमारे लिए मुश्किलें ना हो। जैसे जब हम कोई नई मशीन लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है जो कि उसके इंजीनियर ने लिखा होता है ना, तो वो इंजीनियर बताता है कि ये ऐसे यूज करनी है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें। इसी तरह कुरान में हमारे लिए उस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, हम अपनी लाइफ में किस किस तरह से हिदायत हासिल करते रहे, अल्लाह के अहकाम पे चलते हुए आसानी लेते रहे। क्योंकि पिछली आयत में हमने ये पढ़ा था कि इंसान की फितरत जो है वो यही है कि वो अपनी ख्वाहिशों पे, अपनी डिजायर्स पे चलना चाहता है, उन्हें पूरा करना चाहता सॉरी, उससे वो अपनी जिंदगियों में लेकिन मुश्किलें ही पैदा करता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने पिछली आयत में हमने पढ़ा, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह हमारे लिए आसानी चाहता है क्योंकि अल्लाह को पता है कि जिस तरीके से हमें वो बताएगा वो तरीका हमारे लिए सही और आसान तरीका है। भले ही हमें वो मुश्किल लगता है लेकिन वही हमारे लिए आसान है। लेकिन जो हमें आसान लग रहा है, जिस पर हम चलना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए आगे जाके मुश्किलें पैदा करेगा, कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। तो वो हम उस पर हम आसानी से चल नहीं पाएंगे और अपने आप को हलाकत में डाल देंगे, दुनिया की भी हलाकत और आखिरत की भी हलाकत। जैसे कि एग्जाम्पल आपने देखा होगा, बहुत सारी इस तरह के एग्जाम्पल्स आप जानते होंगे कि लोग अपनी डिजायर्स को पूरा करने में, आजादी को यूज करने में पूरी दुनिया मतलब किसी चीज का लिहाज नहीं करते और लगे रहते हैं कि बस उन्हें पार्टी करना है, उन्हें एंजॉय करना है, उन्हें बस डिजायर पूरे करने हैं। ऐसी कई मूवीज भी हैं जिसमें हमें बाद में ये रियलाइज होता है कि आखिरकार में इंसान कहीं ना कहीं फंस जाता है और उसकी जिंदगी बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाती है जब वो ऐसे जीने लगता है। वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स, इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो हमें अपनी लाइफ में वो लोग लोनली हो जाते हैं जो इस तरह की जिंदगी जी रहे होते हैं। ऊपर ऊपर से तो लग रहा होता है कि बहुत एंजॉय कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे वो खोखले होते चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रियल लाइफ भी हैं, मूवीज में ही नहीं, रियल लाइफ में हमने देखे हैं इस तरह के एग्जाम्पल्स। जैसे बहुत सारे मार्लिन मुनरो का केस है, एक एक्ट्रेस थी, वो बहुत ज्यादा फेम पे, बहुत ज्यादा कामयाबी मिली, उसने बहुत ज्यादा ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम कमाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतना ज्यादा अकेली और इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी कि फाइनली सुसाइड करा उसने। ऐसे ही बहुत सारी सेलिब्रिटीज के नाम आपको पता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को दूर से लगता है कि बहुत जिया, बहुत खुश रहे, लेकिन उनका अंजाम कुछ भी नहीं रहा। फ्रस्ट्रेशन में मरे या फिर नहीं भी मरे तो भी वो नाकामी अपने आप को महसूस करते हैं। तो इस तरह की जिंदगी से हम बच सकें, हम अपने आप को आसान जिंदगी दे सकें, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये हिदायतें भेजी। और एक आपको और एग्जाम्पल बताती हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल है। एक टर्की की इन्फ्लुएंसर थी अभी कुछ दिनों पहले तक, वो बहुत ज्यादा मशहूर थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको इतना ज्यादा लोग पसंद करते थे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, उसके इतने फॉलोअर्स थे। उसको अपने आप से मोहब्बत थी, सेल्फ लव कहती थी वो, कि मुझे कुछ और की जरूरत नहीं है। उसने अपने आप से ही निकाह कर लिया, शादी कर ली, तो अल्टीमेटली वो भी किसी बिल्डिंग से कूद के मर गई। अभी कुछ दिनों पहले की न्यूज है, 4-5 दिन की, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। तो क्या मतलब इसका यही मतलब है कि चाहे निकाह हो या कोई भी जिंदगी का तरीका हो, वो अकॉर्डिंग टू खुदा ही होना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने हदें हमारी बना दी ना। क्योंकि हमारा तो दिल कमजोर है, हम लोग तो अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागते ही हैं, तो हमें अल्लाह की हदें इसीलिए मिली हुई है कि ताकि हम इससे बाहर ना निकल सकें। अगर हम ख्वाहिशों के पीछे ऐसे ही अंधे भागने लगेंगे, ब्लाइंडली भागने लगेंगे, तो हम इस तरह नाकाम हो जाएंगे। तो
तो हमें निकाह को कोई सेलिब्रेशन नहीं या कोई तफरी नहीं समझना है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पिछली आयत में इस निकाह के बारे में काफी लिमिटेशंस बताई गई थी कि आप किससे निकाह कर सकते हैं और किससे नहीं। तो ये सब चीजें हमें बहुत ही सोचे समझे फैसले से करनी होगी। शुरू में मुश्किल लगेगी लेकिन हमारी लाइफ उसी से आसान होगी। ये चीजें हमने पिछले हफ्ते डिस्कस की थी। अब हम आज की आयतें शुरू कर रहे हैं। आज हमारे पास जो सामने स्क्रीन पर हमें दिख रहा है, ये हिंदी तर्जुमे में आयत नंबर 29। पहले मैं उसका तर्जुमा पढ़ूंगी फिर इसके बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल नाहक तौर पर ना खाओ, मगर ये कि तिजारत हो आपस की खुशी से, और खून ना करो आपस में, बेशक अल्लाह तुम्हारे ऊपर बड़ा मेहरबान है। तो अब ईमान वालों से कहा जा रहा है कि अब जब तुम ईमान ले आए हो, अल्लाह को मानते हो, तो अब जो ईमान का तकाजा है, ईमान तुमसे ये चाहता है कि तुम अल्लाह की ये हिदायतें मानो। और वो क्या हिदायतें हैं? कि एक दूसरे को के माल को बेईमानी के साथ ना खाओ, डिसऑनेस्टी। मतलब आप अपने अपने साथ, जिसके साथ भी आप हो, उसका पैसा गलत तरीके से ना खाओ। अच्छा, तो झूठ बोलकर, किसी को लूट कर, चोरी कर कर, गलत इंफॉर्मेशन देकर पैसा कमाना बिल्कुल मना किया गया। तिजारत की बात कही गई, मगर ये कि तिजारत हो आपस की खुशी से। तिजारत का मतलब आप शायद जानते होंगे, बिजनेस करना। तो अगर आप आपस में खुशी से एक दूसरे के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, उसको भी पता है कि आप बिजनेस कर रहे हो सामने वाले को, और आपको भी पता है कि वो बिजनेस कर रहा है, एक दूसरे की रजामंदी से वो बिजनेस हो रहा है, तो वो ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सामने वाले को पता ही नहीं होता कि हम उससे फायदा उठा रहे हैं, तो ये भी बात गलत है। पता होना चाहिए उसको कि हम कमाई कर रहे हैं। तो तिजारत होनी चाहिए आपस की खुशी से, तभी वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हर वो तरीका जो शरीयत के खिलाफ हो, जैसे कि चोरी, डाका, किसी का माल हड़प लेना, धोखा देकर, जबरदस्ती कर कर, या गबन कर लेना, या फिर किसी को उल्लू बनाकर या मजबूर करके उसकी नासमझी का फायदा उठा के अगर कोई पैसा कमाया जाता है, तो उसको नाहक पैसा कहा जाता है। उस तरह के पैसे को मना किया गया है। एक हदीस है कि जब आप कोई तिजारत करें तो देने वाला नुकसान में रहे, ना ही लेने वाला नुकसान में हो। यानी कि कोई बिजनेस जब भी आप कर रहे हैं, तो ना तो आपको नुकसान होना चाहिए अगर आप उसे कुछ किसी को बेच रहे हैं, ना तो आप नुकसान में बेचो, और ना ही सामने वाले को नुकसान होना चाहिए कि आपने उसको बहुत ज्यादा पैसों में दे दिया वो चीज जिसकी बात आपने की थी। मगर ये जो बातें हैं, ये आजकल कोई मानता ही नहीं है। बिजनेस में भी जो बेचने वाला है वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कीमत पे बेच लूं, और जो लेने वाला है वो चाहता है कि मैं कम से कम कीमत पे ले लूं। तो ये सब हदीसें तिजारत के मामले में बताई है। एक और हदीस है कि जो आदमी किसी की कसम खाकर माल हथिया लेगा, वो जहन्नुमी है। यानी कि किसी ने पैसा लिया, कर्ज लिया, और कसम खा के कह दिया कि नहीं, मैंने तो नहीं लिया था, या मैंने तो दे दिया था, वापस कर दिया था। अगर कोई आदमी इस तरह कर रहा है, म्यूट कर देते हैं पापा का, अगर कोई आदमी इस तरह कर रहा है, तो उसको अल्लाह ताला ने, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुमी बताया। तो चाहे कोई छोटी सी चीज हो, जैसे कि हदीस में आया, चाहे वो मिसवाक ही क्यों ना हो, अगर किसी ने कसम खा के कह दिया झूठा ये मेरी मिसवाक है, तो भी वो जहन्नुमी हो गया। तो हमें एक एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हम किसी की कोई चीज गलत तरीके से ना खाए। एक और हदीस है कि झूठी कसम खाकर माल बेचना, उसको भी अल्लाह ताला, रसूल अल्लाह ने कहा, उसको भी अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। कोई भी कसम खा के, जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो मैं बॉम्बे से लाया था खास आपके लिए, और ये तो मुझे इतने में पड़ा है, ये मैं इतने का कैसे बेच दूं, इस तरह की बातें तो आमतौर पर सुनी है ना आपने। ये सब झूठ बोलकर आप माल बेच रहे हैं, इस तरह की चीजें भी अल्लाह ताला पसंद नहीं किया। तीन लोगों से अल्लाह ताला, एक और हदीस है कि तीन लोगों से अल्लाह ताला आखरत के दिन बात नहीं करेगा, ना ही उनकी तरफ देखेगा, और उन्हें बहुत सख्त अजाब देगा। तो उनमें से दो लोग यही हैं, एक तो यही है एहसान जताने वाले, और दूसरे हैं झूठी कसम खाकर माल बेचने वाले। तो कितना ज्यादा इन चीजों का
इम्पोर्टेंस है जो कि आज हम लोग देखते हैं कि सब तरफ लोग पैसा कमाने के चक्कर में इन बातों को भूले हुए हैं। और अगर आप थोड़ा सा याद करें, आपको मालूम हो तो एक नबी थे शुएब अलैहिस्सलाम, उनकी जो पूरी कौम थी वो इसी वजह से तबाह कर दी गई, उन पे इसीलिए अजाब आया क्योंकि वो अपने इन इस मामलात में ईमानदारी से नहीं करते थे। एक दूसरे से कोई भी वो माल कमाते थे तो उसमें ईमानदार नहीं थे, इस बात पे वो कौम पूरी हलाक हो गई। एक हदीस में ये भी कहा जाता है कि एक मुसलमान के हाथों दूसरों की जान और उसका माल सेफ होना चाहिए, मतलब वो किसी के लिए ना तो उसकी माल का नुकसान होना चाहिए करे और ना ही किसी के जान का नुकसान होना चाहिए उसके हाथ। तो मतलब मुसलमान को तो ऐसा कैरेक्टर दिया गया है हदीस में, वही चीज कुरान में भी कही जाती है कि किसी एक इंसान की अगर हमने जान ले ली तो समझो सारे इंसानियत की जान ले ली, अगर किसी गलती से किसी बेगुनाह की जान ली गई है। फिर दूसरे की जान लेना हराम बताया गया हदीसों में। तो ये सब चीजें हदीस से इस आयत की इतनी क्लैरिटी आ रही है कि हमें किस तरह का माल खाना है और किस तरह का माल नहीं खाना है। कोई भी पैसा हमें गलत नहीं कमाना है, बहुत ईमानदारी से और ऑनेस्टी से डील करना है। और अगली बात जो इसी आयत में कही गई वो यही है कि खून ना करो आपस में, मतलब किसी की जान नहीं लेनी है, किसी की जान लेने का हक नहीं है, हराम है किसी का कत्ल करना, बेशक अल्लाह तुम्हारे ऊपर बड़ा मेहरबान है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने इन चीजों को मना किया है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो लोगों की तो कोई हद नहीं है। वो तो अभी देख ही रहे हैं आप किस तरह से लोग एक दूसरे की मार काट कर रहे हैं, एक दूसरे से माल खींच रहे हैं, लूट पाट कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने ऐसी हिदायत दी हमें कि हम इस रास्ते पे चलें। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको फॉलो करें। अब दूसरी आयत पढ़ती हूँ, और जो शख्स सरकशी और जुल्म से ऐसा करेगा तो हम जरूर आग में डालेंगे और ये अल्लाह के लिए आसान है। तो मतलब अगर कोई आदमी कोई गलती करता है, कुरान में हम हमेशा यही पढ़ रहे हैं कि आप कोई भी गुनाह करो, आप कोई भी गुनाह करो, अगर आप सचमुच तौबा करते हो, माफी मांगते हो, अल्लाह के आगे झुक जाते हो, तो अल्लाह ताला माफ करने को तैयार है ना। बार बार हम यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कोई इंसान सरकशी से, मतलब सरकशी का मतलब है ढिठाई से, उसे पता है कि वो गलत कर रहा है मगर वो अल्लाह से डरता नहीं है और वो कर रहा है और अल्लाह से माफी नहीं मांग रहा है, तो वो जरूर आग में जाएगा। और अल्लाह ताला कह रहा है कि चाहे उस आदमी को लगता हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के लिए यह सब बहुत आसान है। कोई भी हो, चाहे कोई बादशाह ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह के लिए तो आसान है ही अपनी पकड़ में लेना किसी को भी, उसके लिए क्या मुश्किल है, तो सबसे ताकतवर। तो अगर तुम ऐसा करके कोई भी गलती करके तौबा कर लो, अपने आप को सही कर लो, अपनी करेक्शन कर लो, अल्लाह के आगे झुक जाओ, तब तो माफी मिल भी सकती है। लेकिन अगर तुम उसी रास्ते पे चलते रहो, और उसी को सरकशी कहा जाता है कि अपने आप को ढीठ बना के रखना, अल्लाह से ना डरना, तो यही जुल्म, हाँ इसी को जुल्म कहा जाता है। तो ऐसा करने वाला जरूर सजा का हकदार होगा, उसे अल्लाह ताला जरूर सजा देंगे। फिर अगली आयत है, आयत नंबर 31। अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचते रहे जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। तो ये बात यहाँ पे जो कही गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। इसमें ये कहा गया कि अगर तुम ऐसे बड़े गुनाहों से बचोगे जिनकी यहाँ बात हो रही है, तो अल्लाह ताला छोटी छोटी कमियों को तुम्हारी दूर कर सकता है। अगर तुम अपने आप को सही रास्ते पर रखोगे, अल्लाह से डरते रहोगे, कुछ गलती हो जाए माफी मांगते रहोगे, तो छोटी छोटी कमियों को अल्लाह नहीं पकड़ेगा। इतना तंग दिल नहीं है अल्लाह ताला।